रंका में अवस्थित जिला का एकमात्र समर्थ आवासीय विद्यालय है, जहां उग्रवाद प्रभावित एवं अति सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं रहने की व्यवस्था की गई है। विद्यालय के बीमार बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर स्वास्थ्य जांच किया गया। इलाज कर रहे रंका के चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि सर्दी खांसी बुखार खुजली पेट दर्द आदि से बच्चे पीड़ित हैं। 38 बच्चों को निःशुल्क परामर्श देते हुए उन्हें दवा भी दी गई। डॉक्टर चौधरी ने गर्म पानी पीने, हाथ धोकर खाना खाने, मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह दी। साथ ही कहा कि जब मैंने पूछा कि भंडारिया जैसे क्षेत्र से आप आए हैं, कैसा लग रहा है, तो उनकी मुस्कुराहट बयां कर रही थी कि इन्हें सारी सुविधा मिल रही है। ऐसे बच्चों के लिए इस तरह की विद्यालय चलाना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब बच्चों के चेहरे पे अलग उत्साह था। मौके पर प्रधानाध्यापिका अमीना बेग, आरती कुमारी, MPW रंजीत कुमार सिंह, विपिन कुमार आदि लोग उपस्थित थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।